स्त्री को केवल वही पुरुष खुश कर सकते हैं जो उनके जिस्म से पहले उनकी रूह से प्यार करें। हमारी औकात वही है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जिन औरतों में संभोग करने की इच्छा अधिक होती है उनकी आंखें अधिक नशीली होती हैं। जिन लोगों के साथ आप अधिक वक्त बिताते हैं आपकी सोच और कार्य करने की क्षमता भी उन्हीं लोगों जैसे हो जाती है। सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए काम करना पड़ता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब एक स्त्री और पुरुष संभोग कर रहे हों तो उनके आसपास क्या घटित हो रहा है उन्हें कुछ नहीं पता होता। जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। जितना अधिक आप देते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके पास वापस लौट कर आता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो पुरुष हमेशा संभोग के बारे में सोचते रहते हैं वह अपने पार्टनर को कभी संतुष्ट नहीं कर पाते। यदि आप महान चीज़ें नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीज़ों को ही महान तरीके से कीजिए। एक स्त्री अपने अस्तनों को खुला इसलिए छोड़ती है क्योंकि वह पुरुषों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। जिस प्रकार मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती उसी प्रकार एक स्त्री पुरुष के बगैर नहीं रह सकती। साइकोलॉजी कहती है कि पुरुषों को ऐसी औरतों के साथ बात करने में कठिनाई होती है जो अधिक आकर्षक होती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान की तुलना में अधिक सफाई देनी पड़ती है। साइकोलॉजी के अनुसार स्त्री की गर्दन का पिछला हिस्सा अधिक संवेदनशील होता है जिस पर किस करने से महिलाएं अधिक उत्तेजित होती हैं। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी पूरा नहीं होती। महिलाओं को हमेशा ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो अपने दिल की फीलिंग उनसे बताते हैं और साथ ही महिलाओं की फीलिंग की भी कदर करते हैं। दर्द महसूस तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू नज़र आते हैं, दर्द नहीं।